बताता हूँ, ये आकाश है, ये फर्स्ट टाइम आया ब्लॉग में। ट्रेन में बैठ गया और 5 मिनट लेट चल रही है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग दीपक ठाकुर। वेलकम है आपका एक न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग ऐसा होने वाला है कि हम जा रहे हैं पुणे से रत्नागिरी, वहाँ पे जाएंगे बीच पे और वहाँ पे हमने होटल बुक किया है। तो मेरे साथ जाने वाले मेरे फ्रेंड है आकाश और गौरंग, जो कि मेरे बचपन के दोस्त है। हमारा प्लान ऐसा है कि हम अभी पुणे से निकलेंगे, पुणे से हमें थाने तक जाना है, वहाँ से भी हमारे रिजर्वेशन है और थाने से हमें रत्नागिरी की गाड़ी पकड़नी है, थाने टू रत्नागिरी डायरेक्ट। और अभी फ़िलहाल तो मैं पैकिंग कर रहा हूँ और पैकिंग में मैं दिखाता हूँ आपको कि मैंने कुछ शर्ट्स और मैंने कुछ ये लिया है वहाँ पर पहनने के लिए। मैंने एक ब्लैक जीन्स लिया है, एक नाइट पैंट वहाँ पर रात में पहनने के लिए, ये दो टी शर्ट है वहाँ पे रात में पहनने के लिए, और एक शर्ट लिया है मैंने जो कि शायद अभी पहन के जाऊँगा मैं, और ये मैंने एक नाइट सूट लिया है वहाँ पे पहनने के लिए, एक हुडी है मेरे पास, हुडी ले लिए मैंने। बस इतना ही लेके जा रहा है क्योंकि दो दिन की ट्रिप है तो ज़्यादा कैरी नहीं करने वाला हूँ मैं। व्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है आप सभी को, तो व्लॉग पूरा देखना और मेरे साथ आप भी एंजॉय करना। तो सीधा मिलते हैं पुणे स्टेशन पे, वहाँ पे मिलेंगे गौरंग और आकाश से, तो वहीं पे भी ब्लॉग स्टार्ट करूँगा। जैसे भी ले जैसे से निकले थे, पर इतनी भीड़ थी ट्रेन में कि मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाया, खड़े होने के लिए जगह नहीं था। तो मेरे साथ मेरे दोस्त आकाश और गौरंग दोनों भी जुड़ गए, यहाँ से हम लोग अभी तीनों साथ में जाएंगे। हमारी ट्रेन थाने से जो कि रत्नागिरी के लिए जाएंगे, अभी फिलहाल पुणे स्टेशन पे आ गए और 5:50 में हमारा ट्रेन है। तो अभी तो अपने देखते हैं यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए मिलते तो कुछ ऐसे खाएंगे वगैरह, और यहीं वेट करेंगे। फाइनली हम आ गए अभी स्टेशन पे और मेरे साथ आकाश और गौरंग दोनों भी जुड़ गए। ये आकाश है, ये फर्स्ट टाइम आया ब्लॉग में, और ये गौरंग है। गौरंग ऑलरेडी आते रहते हैं, आपने वीडियोस में देखे रहेंगे, पर आकाश फर्स्ट टाइम आया हुआ है। तो हमारी अभी जर्नी स्टार्ट हो गई, अभी 5:50 में लोकल ट्रेन है हमारी, रिजर्वेशन है हमारा, तो उसके बाद निकलते हैं यहाँ से और फिर चलेंगे सीधा रत्नागिरी की ट्रेन हमारी पे थाने से, पहले पनवेल से थी पर हमने कैंसिल करके थाने से कर दिया, फिर वहाँ निकलेंगे। भाई गौरंग तिजोरी लेके क्या लेके आया, बैग में इतना बड़ा ताला लगा है, बता सच बता। पुणे स्टेशन पे पहुंचे और थोड़ा बाहर निकले तो देखा इतना जोर से बारिश आ रहा था वहाँ पे पुणे, इतने जोर से बारिश के कारण पुणे में ऑलमोस्ट सब जगह पे ना पूरा पानी ही पानी सा जम गया था, और मतलब लोगों को देख रहे हो आप कितने से भाग भाग के जा रहे, बहुत परेशानी हो रही थी वहाँ पे। तो हम लोग का ट्रिप तो ऐसे स्टार्ट हुआ बारिश में। हमारी ट्रेन आ गई है, हम यही ट्रेन में जाने वाले हैं थाने तक। थाने के बाद फिर हमारी ऊपरी रिजर्वेशन है, दूसरी ट्रेन है, तो फिलहाल तो यही ट्रेन है देखो, पुणे मुंबई। तो अभी यहाँ से निकलेंगे, इसमें बैठ के D3 में हमारा सीट है,
तो अभी इसमें बैठते हैं, फिर निकलेंगे यहाँ से सीधा थाने के लिए। फिर थाने से हमारा रत्नागिरी के लिए गाड़ी है। और ये सीटिंग देख रहे हो ना आप, ये सीटिंग ऐसे हमारे भी ऐसे सीटिंग चेयर रहने वाला है। तो इसमें निकलने वाले हैं हम लोग यही ट्रेन में। यहाँ से जाएंगे थाने तलक, फिर थाने के बाद हमारा दूसरा ट्रेन है, वहाँ से ये भी रिजर्वेशन है, वहाँ से भी अलग रिजर्वेशन है दूसरे ट्रेन का, जो कि सीधा रत्नागिरी तक जाएगी। अभी मुंबई और थाने तक, मतलब थाने तक हमें पहुँचना है, वहाँ से ट्रेन है ना, तो उसके लिए हमने ये ट्रेन बुक किया है जो कि पुणे मुंबई एक्सप्रेस है। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, अभी ट्रेन तो लगी है, अभी 10-15 मिनट अभी और रुकेगी, अभी जाके अपने सीट पर बैठते हैं, फिर मिलते हैं आपको सीट पर। गाइस हमारा ये कोच है और ये बंद है। चालू है, मत कर यार, अभी भूल गया था। फाइनली अभी हम ट्रेन में बैठ गए और अभी मतलब पुणे में, पुणे से ये मुंबई, पुणे मुंबई की एक्सप्रेस है, तो यहाँ से निकलेंगे अभी सीधा। फिलहाल तो हमारा ऐसा मतलब ये कोच है, ऐसा सीट हो रहा है बैठने का, तो अभी यहाँ से निकलते हैं। सेंट्रल में वहाँ से फिर दूसरी ट्रेन पकड़ने वाले, क्योंकि इससे तो मेन टाइम पे पछता हो गया हमारा। आप जा रहे हो, प्लान किया हो और मतलब पूरा प्लान सक्सेसफुल हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ पोकड़ होते ही रहता है। तो अभी चलो देखते हैं मुंबई जाके फिर वहाँ से कौन सी ट्रेन अवेलेबल रहेगी, वो ट्रेन लेके फिर निकलेंगे रत्नागिरी के लिए, खाएंगे मुंबई में रुक के, क्योंकि उसके बाद फिर बैठ जाएंगे तो पता नहीं। अभी वो अभी से ये तो हमारा जो ट्रेन था पहले वाला वो कन्फर्म था, सीट भी हमारे अवेलेबल थी स्लीपर, बट अभी जो ये तो ऑलरेडी 3 hours 45 minutes लेट चल रहा है। 3 hours मतलब 4 hours पकड़ के चलो आप, 4 hours लेट चल रहा है। सो अभी मुझे नहीं लगता कि टाइम पे आएगी, और फिर हमारे वहाँ पे जाने में कैसे, वहाँ पे जाएंगे ना लेट पहुँचेंगे, पहुँचाएगी सुबह 10-11 बजे तक, या हमारे कैसे होटल का चेक इन का टाइमिंग भी है, और फिर हमारा दिन भर का जो प्लानिंग हमने किया है वो सब फेल हो जाएगा हमारा। तो फिर अभी क्या, निकलते हैं मुंबई में, मुंबई में जाके देखते हैं कि क्या, अगर कौन सा ट्रेन अवेलेबल है फिर वहाँ से निकलेंगे हम लोग। दादर में रुकी थी गाड़ी, और गाड़ी ऑलमोस्ट पूरी खाली हो गई, अभी दादर गाड़ी पूरी ऑलमोस्ट खाली हो चुकी है। अभी हम लोग यहाँ से और एक स्टेशन बाकी है, मुंबई सेंट्रल स्टेशन, तो वहाँ पे जाएंगे अभी।
तो ये हमारी मंगलुरु एक्सप्रेस है। एक्चुअली जो पहले वाली एक्सप्रेस थी वो डिले हो गई है हमारी, डिले एक्चुअली 3 आवर्स मतलब टोटल 4 आवर्स हो गई है, लेट चल रही है। तो 8 वर्मा एक्सप्रेस से जाने वाले, तो अभी फ़िलहाल तो मुंबई स्टेशन पे हम, यही हमारी एक्सप्रेस है जो हम जिससे रत्नागिरी जाने वाले, तो इसमें बैठने वाले हैं। सब अपना कोच ढूंढ रहे हैं हम फटाफट, पहले हम आए उससे पहले ही लग चुकी थी यार, एक्सप्रेस ने पोपट कर दिया यार। हमारी जो गाड़ी थी वो लेट चल रही है 4 घंटे, पूरा प्लान का चौपट हो गया। तो अभी इसी में निकलेंगे हम यही एक्सप्रेस में। भाई इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है मुंबई का, एक्चुअली मुंबई लास्ट स्टॉप है यहाँ पे, इससे आगे मतलब इसके मुंबई के आगे कोई भी एक्सप्रेस नहीं है, लोकल कोई भी कुछ भी ट्रेन चलता है नहीं, यही लास्ट है, यहीं से ऑल रूट से यहाँ से आती है ट्रेन, फिर वापस यहीं से रिटर्न निकल जाती है। तो ये लास्ट स्टॉप है और यहाँ पे स्टेशन बहुत बड़ा है, यहाँ पे टोटल 15 से 16 प्लेटफॉर्म्स है। तो यहाँ पे बहुत खतरनाक, मतलब समझ के चलो अगर आप गलत प्लेटफॉर्म पे खड़े हो और आपकी ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाती है, सोचो आपको कितना भागना पड़ेगा। टोटल 16 प्लेटफॉर्म है भाई, इतना भागने के बाद भी फुल जनरल पूरा फुल है, और हम लोग को ये गाड़ी में भी जगह नहीं मिली बैठने के लिए। तो अभी पता है हमें बस एक ही ऑप्शन है कि हम 2 बजे की ट्रेन में भी पकड़े और फिर 2 बजे वाली ट्रेन में निकले यहाँ से। तो अभी रात को 2 बजे आएगी, तो 5 घंटे यहाँ पे निकालने पड़ेंगे। अभी देखते हैं फिर कैसे करना है। पहले अपना अंबानी का घर तो क्या क्या है उसका नाम, विधानसभा SBI का इतना बड़ा ऑफिस है, मेन ब्रांच ही SBI का। बीच घूमने के बाद हम चले आए सीधा खाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी। और हमने अभी मंगा लिया है देखो डोसा, तो डोसा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने में, तो अभी से खाते हैं। डोसा खाने के बाद हमने वेज फ्राइड राइस मंगा लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी और अच्छा हो रहा था। चलिए फटाफट फ्राइड राइस को ख़त्म करते फिर आपसे मिलते हैं। भाई हम मुंबई की गर्मी बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ पे पसीने छूट गए और हमें गाड़ी भी नहीं मिल रही और हमारा लोकल भी छूट गया है। और सीन ऐसा हो रहा है कि बस चले ही जा रहे, हालत ख़राब हो गई, गर्मी तो इतनी है ना कि बस अभी मतलब सही नहीं पा रहे यहाँ पे गर्मी। पुणे में इतनी गर्मी बिल्कुल, मतलब पूरी गर्मी ख़त्म हो गई लेकिन इतनी गर्मी नहीं थी, और यहाँ पे इतनी गर्मी है ना, मतलब ऑलमोस्ट उतनी सब कुछ भीग गया है और चल चल के हालत ख़राब है। भाई यहाँ पे एक टैक्सी नहीं मिल रही हमें, पता है अभी वापस वहाँ पे जा रहे हैं हम, वहाँ पे हमें टैक्सी मिल जाए। हमारी ये 12:15 की लोकल आ गई है, अभी हम फिलहाल मुंबई सेंट्रल में हैं, तो यहाँ से अभी निकल के जाएंगे सीधा पनवेल से फिर रत्नागिरी की एक्सप्रेस पकड़ेंगे, हमारी वहीं से रिजर्वेशन है। फिलहाल अभी बैठ गए ट्रेन में और निकल गए हम
पनवेल के लिए। पनवेल स्टेशन अभी थोड़ी देर में यहाँ पे 1 से 1.5 घंटे के बीच में पहुँचा देगी। फिर वहाँ से हमारा 4:30 बजे तक हमारा ट्रेन है। फिर वहाँ से रत्नागिरी की एक्सप्रेस पकड़ेंगे, फिर हम पहुँचेंगे रत्नागिरी, वहाँ से फिर होटल रिजॉर्ट में। फाइनली हम आ गए अभी पनवेल स्टेशन में। तो यहाँ से हमारे अभी ट्रेन है एक्सप्रेस जो कि रत्नागिरी को जाएगी। तो अभी सीन ऐसा हो रहा है कि अभी और भी लेट हो गई है ट्रेन। तो अभी फ़िलहाल तो मैं मतलब पनवेल स्टेशन पे आ गया हूँ। अभी यहाँ से जैसे मतलब ट्रेन अराइव होती है फिर यहाँ से निकलेंगे भाई। यहाँ पे पनवेल स्टेशन में भी पूरा बारिश हो रहा है, एकदम बारिश आ रहा है ज़ोर से। और मतलब पुणे स्टेशन में भी वहाँ पर बारिश चालू थी और यहाँ पर भी इतनी ज़बरदस्त बारिश हो रही है। बस मुंबई में बारिश नहीं था, बट ये मतलब मुंबई के थोड़ा आगे आता है ना पनवेल, तो यहाँ पे तो यहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त बारिश है। और कुछ कुछ स्टेशन पे वहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त बारिश आ रही थी हम जब लोकल में आ रहे थे टाइम पे। तो अभी देखते हैं कैसे, बस यहाँ बारिश है ठीक है, बट हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे ना हो, वरना हमें रत्नागिरी पे मतलब जाके और बीच घूमने के लिए नहीं मिलेगा यार, फिर जाके कुछ फ़ायदा नहीं होगा भाई। बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है यहाँ पे, बहुत तेज़। जैसे पुणे में चालू था ना बारिश, वैसे यहाँ पे भी आना चालू हो गया अभी, बहुत तेज़ बारिश आ रही है। पता नहीं यार, हम ही प्लान बनाते हैं उसी टाइम पे हमारी प्लान चौपट की, हमारा पोपट हमेशा होता है, प्लान बनाए तो पोपट होना ही है। तो इतना ज़ोर से बारिश आ रही है भाई, टाइम देख लो टोटली 5 बजा दिए और अभी तक ट्रेन नहीं आई है। अभी तक ट्रेन का ही वेट कर रहे हैं हम लोग, पूरा 5 बजे है और अभी तक हमारी ट्रेन आई नहीं। इतना मतलब इतना लेट यार, इतना डिले किया है इन्होंने, परेशान हो गए हम लोग यहाँ पे दिन रात भर स्टेशन में बैठे भाई। अभी सुबह के 5:15 हो रहे और ये ट्रेन की टाइमिंग है 11:55 का और ये अब भी आई है भाई, इतने रात भर यहीं पे बैठे स्टेशन पे और अब भी आई है, बैठे बैठे वेट करते करते इतना लेट पूछो मत। पूरा मतलब पूरा प्लानिंग चौपट हो गया, पूरा पोपट हो गया हम लोग का। अभी देखते हैं कब तक पहुँचाएगी। सुबह 4:30 का टाइमिंग था, अभी 11 बजे का टाइमिंग दिखा रहा है। तो अभी फ़िलहाल बैठते गाड़ी में। हम लोग सुबह ट्रेन में बैठते ही सो गए थे क्योंकि इतनी नींद लगी थी ना जोर से। अभी सुबह के 8 बज रहे थे और अभी हम उठे तो नींद तो वैसे प्रॉपरली हुई नहीं, बट फिर भी काम चलाओ नींद हो गई है। तो चलिए अभी फ्रेश वगैरह होते, तब तक आप यहाँ के सिनेमैटिक एंजॉय कीजिए।
फाइनली वी हैव रीच एट आर डेस्टिनेशन रत्नागिरी। बहुत लेट किया, अभी हमारे हाथ में नहीं था, सो अभी आगे, अभी यहाँ से आगे के प्लान की तरफ चलते बढ़ते आगे। बाइक रेंट पे लिया, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देके, तो ये बाइक रेंट पे लिया घूमने के लिए, यहाँ पे घूमेंगे। और उसके बाद ये हमारा बंगलो है यहाँ पे, ये घर हमने मतलब बुक किया था, तो ये वाला बंगलो पे रहने वाले हम। और अभी मतलब ओनर आ रहे चाबी लेके, तो फिर अंदर जाएंगे, अंदर का टूर दिखाता हूँ मैं। तो अभी फाइनली आ गए हम हमारे होटल पे, अभी आपको पार्ट टू में इसका मैं होटल का टूर और आगे का जो बीच और दो तीन लोकेशन घूमने जाने वाले है उसका टूर दूंगा आपको पार्ट टू में। और ये फर्स्ट पार्ट का वीडियो यहीं तक ख़त्म होगा, और पार्ट टू के लिए जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए।